स्टूडेंट, आज मैं क्लास वन के बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में फोर लेसन के बारे में बताऊँगा। फोर लेसन में आपका अनाउंस था, जो मैं कुछ इसमें कुछ पेज था जो मैं बता दी थी, केवल वो पढ़ने के लिए था, रीडिंग करने के लिए था। अब आप कुछ बचा है, देखिए इसको पढ़ लेंगे। नेमिंग्स वर्ड है, कह रहे अनाउंस और नेमिंग्स वर्ड, ठीक है। उसके पढ़ने के बाद जो हमारा चैप्टर है उसको सॉल्व करेंगे। पहले आपका देखिए, कह रहा है रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंस, कह रहा है जो सेंटेंस लिखा है नीचे उसको आपको रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है। कह रहा है रिया इज ब्यूटीफुल, रिया इज ब्यूटीफुल, रिया जो है क्या है, बहुत सुंदर है, ठीक है। इसमें रिया जो है इज द नेम ऑफ ए पर्सन, इट इज नाउन, कह रहा है कि रिया जो है पर्सन, रिया का नेम जो है वो क्या है, पर्सन है, मतलब एक व्यक्ति के आता है, और ये कौन क्या है, नाउन है। जैसे अब नाउन का डिफिनेशन बताए थे, नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस और थिंग, जो भी है, ठीक है। इसका मतलब किसी भी वस्तु के नेम को, किसी भी प्लेस के नेम को, किसी भी व्यक्ति के नेम, मतलब जगह के नेम को, वस्तु के नेम को, और किसी जानवर के नेम को, किसी पक्षी के नेम को, यानी किसी स्थान के नेम को, किसी के नेम को भी क्या बोले थे, संज्ञा होता है, ठीक है। इस तरह इसमें इसका नेम जो है रिया, ये आपका क्या है, नाउन है, यानी कि संज्ञा है, ठीक है। अब आपका है, कह रहा वी लिव इन ए हाउस, कह रहा है कि हम किस में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, किस में रहते हैं, एक घर में रहते हैं। जो घर है ये क्या हमारा, ये किसी प्लेस का स्थान, यानी कि जगह का स्थान है, देखिए। तो ये क्या है, नाउन है, जब ये प्लेस का नाम है तो क्या है, नाउन है, ठीक। ये किसी व्यक्ति का नाम था तो ये क्या था, नाउन था। अब इसके बाद देखिए, खुशी प्लेस विद ए डॉल, खुशी किसके साथ खेलती है, प्ले विद ए डॉल, यानी कि एक डॉल, ये डॉल, ठीक है, इस डॉल के साथ खेलती है। डॉल इज द नेम ऑफ थिंग्स, ये वस्तु है कोई, ठीक है, कोई थिंग्स है, इसका नेम क्या है, डॉल है, यानी किसी वस्तु के नेम को, किसी जगह के नेम को, किसी व्यक्ति के नेम को क्या बोलते हैं, नाउन्स, ठीक है। इस तरह जो नाउन है डॉल हो गया इसमें। अब देखिए, कह रहा है द काउ गिव्स अस मिल्क, तो गाय जो है हमें क्या देती है, दूध देती है, क्या देती है, दूध देती है। तो इसमें काउ आपका गाय का नेम है, इसलिए ये एनिमल्स है, ठीक है, और इट इज ए नाउन, इसलिए क्या है, नाउन है। इस तरह किसी व्यक्ति यानी किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग्स एंड किसी एनिमल्स के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने एक्सरसाइज पे अब देखते हैं, अब आपको समझ में आ गया है, इसको आप अच्छे तरह से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज कह रहा, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। कह रहा कि पिक्चर को देखिए, यानी जो हमारा ये पिक्चर है इसको 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 देखना है, ठीक है। और कह रहा है कि इसको देखने पर इसमें स्पेस करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पैरट, इसलिए इसमें हम पैरट फिलअप कर दिए हैं। इसमें क्या है, बर्ड है, बर्ड कर दिए। ये क्या है, पिकॉक है, ठीक है। इस तरह इसमें फिलअप कर देना है। जो पिकॉक है वो डांस करता है, जो बर्ड है वो फ्लाई उड़ती है, और जो पैरट है वो पिंजड़े में है। अब देखिए इसमें कह रहा है, डी नंबर जो दिया, व्हाट इज दिस, कह रहा है ये क्या है, तो ये आपका ऑस्ट्रिच है, गिद्ध है। अब आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पुट इन मिसिंग लेटर्स इन लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट टू कम्प्लीट द नेम्स ऑफ एनिमल्स, कह रहा है इसमें एनिमल्स के नेम दिए हैं, आपको इसको कंप्लीट करना है। देखिए आप इसमें कंप्लीट करने के लिए फिलअप नहीं किया था, हमने इसमें फिलअप किया है। एल आई यू एन, लाइन क्या करता है, रोर करता है, दहाड़ता है। काउ जो है इट ग्रास, घास खाती है। हॉर्स जो है रन फास्ट, तेज़ी से दौड़ता है। कैट जो है किल माउस, चूहे को खा जाती है बिल्ली, ठीक है। इस तरह आप इसमें फिलअप कर लीजिएगा। थर्ड नंबर है, कह रहा पिक आउट द नाउन सेंटेंस वन इज डन फॉर यू रिया, कह रहा है कि मतलब इसमें एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस दिया है ना, ये सेंटेंस में आपको बताना है कि इसमें नाउन क्या है, ठीक है। तो नाउन क्या है इसमें दिया है, रिया इज प्रिटी, रिया जो है बहुत सुंदर है, तो रिया इसमें आपका क्या हो गया,
रिया जो हो गया इसमें नाउन हो गया, डॉग ईट मीट, तो डॉग जो है इसमें नाउन हो गया। इस तरह आप इसमें देखिए द बर्ड्स आर चिरपिंग, इसमें बर्ड आपका क्या हो गया, बर्ड्स क्या हो गया आपका, इसमें एस ने लिखा है, बर्ड्स आपका हो गया नाउन, टाइगर इसमें हो गया आपका नाउन, इसमें इसी में से आपको इसमें आपको छाट के लिखना है, द पिकॉक जो हो गया आपका नाउन है, किसी के मतलब किसी के नेम को ही बस आपको यहाँ पे छाट के लिखना है। देखिए वेयर इज ललित, ललित नेम है इसलिए नाउन हो गया, मोहन इज, मोहन भी नेम है, दिल्ली भी किसी जगह का नेम है इसलिए नाउन हो गया, ठीक है। इस तरह आपको छाट के लिखना है। अब कह रहा है कि लुक एट द पिक्चर, पिक्चर देखिए, टेम्पल है, डॉक्टर है, पिकॉक है, कफ है, पुलिस, हॉस्पिटल, पेन, टंकी, वुमेन, टाइगर, जो भी है सारे क्या हैं, फिगर्स हैं, पिक्चर्स हैं। इस पिक्चर्स को आप कह रहा है कि देख लीजिए। अब इसको देखने के बाद आपको क्या करना है, ना देखिए नीचे दिया है नाउन, नाउ प्लेस द नाउन इज द देयर स्पेक्टिव कॉलम्स, कह रहा है इसमें कॉलम्स दिया है, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, इनमें आपको इस पिक्चर को देख के इसी में से आपको फिलअप करना है। पर्सन में कौन कौन आते हैं, तो डॉक्टर, पुलिस, वुमेन, ठीक। प्लेस में क्या क्या है, टेंपल है, हॉस्पिटल है, मास्क है, और एनिमल्स में टाइगर है, डंकी है, पिकॉक, और थिंग्स में कप है, पेन है, वॉच है। इस तरह आपको फिलअप कर लेना है और आपको अच्छी तरह से इसको समझ में आया होगा, ठीक है। किसी व्यक्ति, किसी मतलब किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी एनिमल्स, थिंग्स के नेम को ही हम नाम कहते हैं, ठीक है। इस तरह आप तैयार कर लीजिएगा, इसको आप अपने बुक में फिलअप करिएगा, ठीक है। थैंक्स।